गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंटली स्टार्ट कर रही हूँ, डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर, मेरा अपॉइंटमेंट है विद एन आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि मेरे राइट आई में कुछ दिन से थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, कभी पेन कभी इरिटेशन, कभी लग रहा है अंदर कुछ है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। तो एक बार नंबर्स भी चेक करवा लूँगी और ओवरऑल चेकअप भी करवा लूँगी। और मैं ब्लॉग को इस वक्त इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत पूछते हो कि मैं कैसे दोनों को घर पे अकेले रख के जाती हूँ जब हम दोनों बाहर जाते हैं, तो घर को कैसे डॉग सेफ बना के निकलती हूँ वो आपके साथ आज फटाफट शेयर कर देती हूँ। सो हमारे ये दो बेडरूम के एक के साथ अटैच्ड बालकनी है, तो इसके लिए हम रूम का ही डोर क्लोज कर देंगे, सेकेंड बेडरूम का भी डोर क्लोज कर देंगे। तो हमारा अपॉइंटमेंट है 6:30, ये दोनों खाना खाते हैं 8 बजे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा खाना इनको खिला के ही निकल रहे हैं। बहुत दिन बाद दोनों अकेले रहेंगे, थोड़ा सा तो एंशियस होंगे। पहले हमने इन्हें सुसु करवा लिया है अपने अपने जगह पे, पॉटी करने का टाइम अभी है नहीं, वो बाद में करते हैं डिनर के बाद। किचन में गैस के नॉब्स चेक करके जाऊँगी, सारे स्विच देख लूँगी, जो भी बड़े अप्लायंसेस है सब ऑफ है कि नहीं, गीज़र एक बार चेक कर लूँगी। आजकल का गीज़र ऑटो ऑफ होता है बट फिर भी एक बार चेक कर लेंगे सब ऑफ है कि नहीं। इनफ लाइट लगा के जाऊँगी क्योंकि ये शाम का टाइम है, ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो दोनों को डर लगेगा, इसलिए बहुत ब्राइट लाइट नहीं, कोजी लाइट बट उनको दिखे इतना लाइट जला के हम निकलेंगे। और यहाँ पे जो विंडो है वो भी बंद करके जाऊँगी, बारिश का मौसम है, कभी भी हवा बारिश शुरू हो जाता है, तो इतना सा गैप रखूंगी, इनमें से दोनों बाहर नहीं जा पाएंगे बट वेंटिलेशन होगा। कर्टेंस भी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत क्लोज है एक फ्लैट के साथ दूसरा फ्लैट, तो किसी के बालकनी में भी ये लोग किसी को देखते हैं ना, स्पेशली कियारा, तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि जब हम घर पर नहीं है तो वो एक्साइटेड हो, क्योंकि वो एक्साइटेड होगी तो वो फ्लरी को परेशान करेगी। किचन में भी हमारा जो यूटिलिटी का डोर है वो दीपांजन ने क्लोज कर दिया है, तो बाहर का कोई एक्सेस इनके पास है नहीं। अब किचन में ऐसे कुछ फ्लोर में हम रखते नहीं हैं जिनसे इन्हें डेंजर है, और घर पे तो रहता ही नहीं है। जहाँ पे दोनों का बेड रहता है रख के बोल में पानी भर के फिर हम चले बाहर, और बाहर जाने से पहले ज़्यादा पेटिंग कभी मत करना। आई मेक देम फील वेरी कैजुअल दैट इट इज़ एब्सोल्युटली ओके दैट यू कैन गो आउटसाइड फॉर योर वर्क समटाइम, इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल दैट दे स्टे अलोन फॉर समटाइम। तो ये है फिलहाल पूरा घर, फ्लोर में हमने कुछ नहीं रखा है जिनसे ये कुछ तोड़म ताड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉर्ड्स है उसको भी ऐसे जगह पे रखा है कि दोनों नहीं पहुँच पाएंगे, सामने ये रखा हुआ है, और बस कोई भी कागज़ टिश्यू कुछ भी नहीं, सब अपने अपने जगह पे जैसे घर रहता है हमेशा। सुन के शायद आपको लग रहा है कि अरे बापरे बाप इतना कुछ करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, चीज़ें ठीक ठाक जगह पे रखोगे तो ये कुछ भी नहीं है। डन विद आवर चेकअप, दीपांजन ने भी अपना नंबर चेक करवा लिया एंड उसका पावर तो सेम है बट थोड़ा सा एक्सेस चेंज हुआ है, तो इसलिए उसको नया ग्लास लेना ही पड़ेगा। और मेरा शॉकिंगली पावर कम हो गया है, सो नाउ आई थिंक कि पहले जिन्होंने चेक किया था लेंस कार्ट में वेदर दे चेक इट करेक्टली और नॉट, क्योंकि पहले 0.75 था अभी 0.5 हो गया है। और जबकि तुम चश्मा बिल्कुल पहनती नहीं हो। नहीं बिल्कुल पहनती नहीं हूँ, ये बिल्कुल झूठ बात है, जब मैं लैपटॉप में काम करती हूँ तो पहनती हूँ, वरना नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है। और ये ग्लास भी बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो गाइस अगर आप लेंस कार्ट से चश्मा करवाए हो कभी भी तो क्या आपका ग्लास येलोइश हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ ही है, दीपांजन के साथ भी ये हुआ है, उसने पहली बार लेंस कार्ड से फ्रेम बनवाया और कुछ टाइम के बाद ना ग्लास बिल्कुल येलोइश हो जाता है। तो एनीवे, क्योंकि मैं लैपटॉप में बहुत लॉन्ग काम करती हूँ एडिटिंग का, तो मेरे कुछ देर बाद दर्द होता है आँखों में। इनिशियली ही वॉज ही सीम्ड टू बी प्रीटी एरोगेंट टू मी, बट लेटर ऑन इट वॉज ऑल ओके, ही वॉज ऑल कूल, ही स्टार्टेड चैटिंग, आई डोंट नो वाई, माई बिहेवियर, माई
what to say, down to earth behavior, but yeah, okay. तो मेरे जो आँखों में irritation था, पहले मुझे काम की बात बताने दो, ठीक है? तो मेरे problem right eye में था, तो right eye में उनको कुछ भी नहीं मिला. उन्होंने मुझे कहा कि शायद तुमको कुछ irritation हुआ था, so you rubbed your eyes too much or you splashed water, तो उसके लिए थोड़ा scratches है, वही शायद बॉदर कर रहा है. और लेफ्ट आई में कुछ आई लैशेस थे, वो उन्होंने निकाल दिया एक ड्रॉप से. ही प्रेस्क्राइब 2 drops और दिन में 3 बार देना पड़ेगा. तो ही सेड इन अ वीक यू मस्ट फील बेटर, इफ़ यू डोंट देन प्लीज कम बैक. बहुत टाइम हो गया नया स्पेक्स लिए, अब तो लूँगी ना. मैं हंस रही हूँ या क्या करें, आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं मास्क पहनी हुई हूँ. तो चलो घर जाके बात करते हैं. बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गया, हम डॉक्टर के वहाँ से निकले और देखे एकदम फटाफट बारिश हो रहा है. बारिश भी फटाफट होता है, फटाफट एकदम हो रहा है अभी. तो चलो घर चलते हैं गाइस, देखते हैं बेबीज क्या कर रहे हैं. बहुत दिन बाद दोनों को अकेले छोड़ के निकले घर से. बेबीज वेयर ऑल गुड, जस्ट लिटिल एक्साइटेड, दैट्स इट. क्योंकि इतने दिन बाद दोनों को छोड़ के गए थे, तो घर आके हमने भी नहा धो लिया है, सब चेंज कर लिया है, जो भी डिसइंफेक्ट करना था, यहाँ तक कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस को भी डिसइंफेक्ट किया गया है, वॉलेट्स. और जैसे ही हम घर आते हैं, बेचारे कूदते हैं हमारे पास आने के लिए, बट अभी तो हम दोनों मिलके बाथरूम में घुस गए सबसे पहले इनिशियल सैनिटाइजेशन के लिए. अपना वाला मेन एंट्रेंस डोर भी क्लोज नहीं किया, एंट्रेंस डोर भी हमने क्लोज नहीं किया था, इतना वो अंदर चलता है. अच्छे हैं ना, दे वर नॉट इन फ्रंट ऑफ द डोर और दे वर नॉट इवन आउटसाइड, दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर बाथरूम डोर. डॉक्टर के पास जाते हो जो भी आई स्पेशलिस्ट ही है, बट फिर भी अभी तो हर जगह डर लगता है, डॉक्टर भी डरे हुए थे, है ना. फेस शील्ड विल पहन के दूर से ही बात कर रहे थे. 15 चाय और अभी मुझे डिनर भी बनाना है, टाइम इज 8 o'clock. इन दोनों का हो गया डिनर. कैसा लगा मामा अकेले अकेले, कैसे लगा आज मामा डैडी घूमने चले गए, कैसा लगा? क्या आज तो हाफ डिनर पहले हुआ था, अभी हाफ डिनर अभी हुआ. और बाहर अभी भी बारिश चालू है. मामा बिट्टी पहुंचे, चलो इनका मुंह साफ कर लेती हूँ पहले. मेरी बेबी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा. मामा ने बिल्कुल प्यार नहीं किया, घर आके बिल्कुल प्यार नहीं किया अच्छे से. ए तो अच्छा हेलो बोल दो, अच्छा ओके, कितना चाटना है चाट. गर्मा गर्म चाय, दीपांजन स्पेशल चाय इज रेडी. हम कितने भी लेट हो जाए, उसका काम खत्म होता है या कुछ भी हो जाए, ये चाय हम ज़रूर पीते हैं. और अभी लग रहा है हल्का हल्का भूख, क्योंकि दोपहर को आज हमने बस शेद्धो भात खाए हैं, बॉइल्ड राइस विद घी एंड बॉइल्ड आलू, डोरिटोस. ये डोरिटोस है क्या? नहीं, कॉर्निटोस. कॉर्निटोस नैचो क्रिस्प, देखते हैं कैसा है. चीज़ एंड हर्ब्स, ये डाइट वाला है जो बेक्ड वाला. ये देखो शीजूस नैचोस खाते हैं क्या? शीजूस नैचोस खाते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. यहाँ पे अपने फ्रेंड से पूछो, पूछो अपने जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, पूछो क्या तुम लोग नाचोस खाते हो? अपने मम्मी डैडी के खाने पे हमेशा झपटाते हो? पूछो. शाबाश, इसको रोकेगा कौन? किसकी हिम्मत है कि कियारा को रोके? कैसा है? बहुत अच्छा. तुम्हारे इच्छे गुच्छे, तुमको भी मन हो रहा है, तुमको भी मन हो रहा है नाचोस खाने का? नो मामा, वेरी लाइट. हेलो हेलो, वेलकम बैक. अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने. और क्या बना रही हूँ डिनर में, यहाँ पे मसाला पक रहा है और यहाँ पे मैं मैरिनेट करके गई थी चिकन, थोड़ा सा चिकन. आलू दे के बना लूँगी, दीपांजन बना लेगा रोटी, तो इससे हो जाएगा हमारा डिनर. कोई भी काम से छुट्टी मिल जाए, खाना बनाने से तो छुट्टी है नहीं दोनों में से किसी का भी. सुबह तो चलो कैसे भी चला लिया बॉइल्ड राइस आलू से, पर रात को तो कुछ बनाना ही पड़ेगा. बीच में लग रहा था कि हाँ अभी थोड़ा बहुत बाहर से ऑर्डर करना शुरू करूँगी, सब लोग तो खा रहे हैं, एक दिन हमने स्वीट ऑर्डर भी किया. बट अभी फिर जो सिचुएशन है बैंगलोर का, उस हिसाब से तो लग रहा है कि नहीं अभी और 3 महीना शायद ऐसे ही रहना पड़ेगा. पता नहीं 3 महीना के कितना, बट मिनिमम 3 मंथ्स तो शायद ऐसे ही चलेगा. बाहर से खाना ऑर्डर करने का कोई स्कोप नहीं है, तो घर पे ही बनाओ और खाओ. मुझे रात को खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, सुबह बना के रख दो खत्म, बट क्या करो आज बनाना पड़ेगा. Whenever I am off to
तो आपने देख लिया, रेडी हो गया है और दीपांजन ने एकदम गर्मा गर्म रोटी अभी अभी बनाया है, तो भूख भी लग गया, तो हम खा लेते हैं डिनर। 10:15 इज द टाइम, ठीक है, थोड़ा बैड टाइम है, मतलब बैड टाइम, थोड़ा और जल्दी भी हो सकता है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैंने बहुत प्यार से बनाया है, वैसे मैं खाना प्यार से ही बनाता हूँ, और दीपांजन इतना अच्छा रोटी बनाता है ना, मुझे एक्चुअली रात को डिनर खाने का थोड़ा सा भी जो इंटरेस्ट रहता है वो है मतलब मुझे रोटी खाना उतना अच्छा नहीं लगता था पहले, पर अभी मैं रोटी खाती हूँ ओनली बिकॉज ही मेक्स द बेस्ट रोटीज। फ्लरी को क्या चाहिए? फ्लरी को चिकन चाहिए। फ्लरी को आ गया है चिकन का स्मेल, और बस हम वापस आके सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए दे दिए थे, क्योंकि हम डॉक्टर के पास से आए थे तो वो बहुत ही ज़रूरी है, बट बारिश अभी भी कम नहीं हुआ है, तो लग रहा है वो पूरी रात आज वॉशिंग मशीन में रहेगा, कल फिर से धोना पड़ेगा सुबह। चलो गाइस खाना खाते, फिर कल सुबह आपसे मिलती हूँ, और कल आपको मैं और कुछ चीज़ें बताऊँगी कि मैं फ्लरी कियारा को कैसे ट्रेन किया है घर पर जब हम नहीं रहते, तो वो काम रहे, ज़्यादा एंशियस ना हो इनके बारे में, तो हम ज़रूर आपसे वो शेयर करूँगी वो सारे टिप्स, फिर कल सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, ब्रेकफास्ट इज रेडी, आज हम खा रहे हैं ब्रेड उपमा। दीपांजन कर रहे हैं कुछ बिस्लेरी का बॉटल बुकिंग, क्योंकि पापा के वहाँ पे टाटा स्वच का एक फिल्टर है उसका कार्टिज ख़त्म हो गया है, और वो कार्टिज मैं ऑर्डर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट बोल रहे हैं कि 4 to 5 वर्किंग डेज ऐसे ही लगता है, अभी लॉकडाउन के लिए और ज़्यादा लगेगा, तो बहुत मुश्किल है कि पीने का पानी, और वो भी मानसून के टाइम पेट ख़राब बहुत ज़्यादा होता है, तो देखते हैं कि कहाँ से थोड़ा सा बिस्लेरी अभी के लिए ऑर्डर कर दूँ ताकि पापा के पास ही रहे, उनको निकलना ना पड़े। ये सब चक्कर में सुबह थोड़ा तो सब हॉच पॉच हो रहा है, फिर पापा का वांडा शेफ का एक न्यूट्री ब्लेंडर है वो भी ख़राब हो गया है, उसका भी सर्विस रिक्वेस्ट देके रखा है, बंदा नहीं आ रहा है घर पे ठीक करने के लिए, सब कुछ मिला के चल रहा है ऐसे उधर इधर ये सब कुछ लेके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मामा। Somebody said you are the last one of your kind. Somebody got to bleed. It will be me 1,000 times. और ये जो दो आई ड्रॉप्स मुझे दिया है वो कल रात को एक ही बार अप्लाई हुआ है, क्योंकि दिन में 3 बार देना है, तो कल ये डाल के मैं सो गई थी, एंड दिस मॉर्निंग आई एम फीलिंग मच बेटर, इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन द इरिटेशन, बट आई एम फीलिंग मच मच बेटर, तो आज से ये दिन में 3 बार करके देना पड़ेगा, और इसके लिए ना मैं बहुत सारे कमेंट्स का लास्ट 3-4 दिन से मैंने रिप्लाई नहीं किया है, DM का भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, और वीडियो भी एडिट करने बैठ नहीं पाई हूँ, आज शाम को ये वीडियो एडिट करूँगी अगर मैं मुझे लगे कि मैं कर सकती हूँ उतना देर बैठ के, क्योंकि एडिटिंग टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours, तो वो कंटिन्यूसली लैपटॉप के स्क्रीन में बैठना पड़ता है, मैं जैसे अपना फ़ोन भी चेक नहीं कर रही हूँ सुबह से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जितना स्क्रीन टाइम कम कर रही हूँ मेरे आँख उतना ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। वीडियो इस बार थोड़ा लेट आए तो प्लीज़ कुछ माइंड मत करना, और कमेंट्स का भी मैं इसलिए रिप्लाई नहीं की, मैंने पढ़ा सबके कमेंट्स है बट वो बैठ के हर एक कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं करवा रही हूँ फिलहाल, बट जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक फील करती हूँ मैं फटाफट सबको रिप्लाई करूँगी। अभी हम दोनों बैठ गए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, कल आपने देखा हम दोनों को घर पे अकेले छोड़ के बाहर गए थे,
तो अभी ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि वो तो हमने दिखाया कि हम घर को कैसे डॉग सेफ बना के फिर बाहर जाते हैं, ये स्टेज तक पहुंचने के लिए हमने कैसे दोनों को ट्रेन किया है। एक हैबिट है, जब आप डॉग के साथ घर पे रहते हो, चाहे घर पे एक आदमी है, दो आदमी है, चार आदमी है, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा अटेंशन उन पे रहता है। सो योर हाउस शुड ऑलवेज बी डॉग सेफ, देयर शुड नॉट बी एनी थिंग विच कुड कॉज हेल्थ हैजर्ड्स और एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स, ताकि डॉग कुछ उठा के खा ना ले, कुछ चीज़ों से अपने आप को हर्ट ना कर ले। ये सारी चीज़ आपको बहुत ध्यान से आपके डेली लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा, तो जब आप घर को छोड़ के बाहर जा रहे हो तो वो बहुत ही आसान होगा। आपके पास एडिक्वेट टॉयज होने चाहिए खेलने के लिए, उनको उनका दिमाग उनका एनर्जी को बिजी रखने के लिए, ताकि अगर डॉग सेफ रखने के लिए हम जो जो चीज़ उनके पास से हटा रहे हैं, जो भी ख़राब चीज़ है उनके लिए जो हम उनके पास से हटा रहे हैं, उसके बदले में उनको कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिले जिससे वो खेल सके, अपने आप को एंगेज रख सके। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे मैं तीन सिचुएशन बताती हूँ। एक है कि जब घर में डॉग को मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 hours अकेले रहना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन, शायद वीक में 3 या 4 घंटा अकेले रहना पड़ता है, जब घर में बाकी सब को कभी ना कभी काम के लिए जाना पड़ता है। थर्ड सिचुएशन इज, देर इज ऑलवेज somebody इन द हाउस विथ योर डॉग, बट ऑल्सो देर आर ओकेशंस, शायद आपको कोई इन्विटेशन में जाना है या सब मिलके कभी मूवी देखने जा रहे हो, तो तब डॉग को घर पे अकेले रहना है। ये तीनों चीज़ों के लिए डॉग को बहुत ही अर्ली ट्रेनिंग आप देना शुरू करेंगे घर पे अकेले रहने के लिए, तो वो आसान हो जाएगा एक पपी के लिए भी उस ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करना, एंड अकेले सिचुएशन में एंशियस ना होके अकेले सिचुएशन में अपने आप को काम रखना। अर्ली मतलब कितना अर्ली, क्या आज मैं एक पपी को ला रही हूँ, कल से मैं उसको अकेले छोड़ के चली जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं। पपी को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि जहाँ पे वो आ रहे हैं, अपने पैक को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जहाँ पे आ रहे हैं, उस घर को अपनाने के लिए, वहाँ के लोगों के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने में, फैमिली में इंटीग्रेट होने में उनको वो टाइम देना चाहिए। तब तक तो आप उसको छोड़ के ना जाएं तो ही अच्छा है। उनको उसको पहले कंफर्टेबल होना है आपके लाइफस्टाइल से, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर उसके लिए अभी तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट अगर उसके लिए नॉर्मल सिचुएशंस में अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़े या कुछ हफ्ते के लिए किसी ना किसी को घर में रहना पड़े, वो रहना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू बी फर्स्ट इंटीग्रेटेड विद इन द फैमिली लाइफस्टाइल, और आपका जो साइकिल है वो साइकिल से उनको भी मैच करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। वहाँ पे उनका खाने का सिस्टम, किस टाइम पे खाते थे, किस टाइम पे क्या करते थे, सब कुछ डिफरेंट था। So all those things are going to change for them. So they have to be comfortable, calm, integrated within the family first. So that is the phase. That much time you have you to need give to. Them. First it was Dipanjan, and then when Dipanjan had to go out, मेरे लिए कभी भी work from home का option नहीं था। तो जब Dipanjan भी बाहर उसको office जाना पड़ा, तो my dad was there always with Flurry. So that time they really need to get accustomed with the new setup. पहले वो घर के हर एक कोने के साथ, आपके साथ, सबके साथ एक वो ट्रस्ट फैक्टर उनका बनना चाहिए, ताकि उनको लगे कि यहाँ पे हम सेफ है। अगर वो घर के साथ ही वो सेफ्टी फैक्टर और वो ट्रस्ट इशू नहीं है, तो उनको अकेले छोड़ के जाएंगे, तो ऑफकोर्स योर डॉग विल बी एंशियस, एंड दैट एंशियसनेस विल रिजल्ट इनटू मेनी बैड थिंग्स। और एक बार अगर एक गलत हैबिट हो गया ना, तो दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो ऑलवेज इट्स बेटर टू गो विद द पॉजिटिव और द गुड हैबिट्स, सो दैट दे बिल्ड द गुड हैबिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। उसके लिए ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट 45 days टू आई वुड से 2 months ऑल्सो दे नीड somebody टू बी विद them. जब आप बाहर जा रहे हो, वो भी एट ए स्ट्रेच, नॉट फॉर 9 to 10 hours हम फ्लरी को छोड़ के चले जाते थे। हमने पहले शुरू किया था 15 minutes से, 20 minutes से, कि वो ही जो 2 months उसके साथ हम कोई ना कोई हमेशा थे, उसी टाइम पे हम क्या करते थे, कभी 10 minutes उसके पहले तो उससे भी पहले मजेदार चीज एक याद आया मुझे। हम पहले एकदम शुरू में जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया था, तब हम ये कर रहे थे कि हम लॉक करके दरवाज़ा से थोड़ा सा दूर चले जाते थे, और हम बाहर से मतलब सुनने की कोशिश करते थे कि वो क्या कर रही होगी, क्या वो भौंक रही है, स्क्रैच कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे करके। आई थिंक इट यूज टू बी लाइक 5 to 10 minutes मैक्स व्हेन वी वर वेरी क्लोज टू द डोर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द डोर बट इन द लॉबी, वेरी क्लोज टू द डोर। वो था पहला हमारा ट्राई। उसके बाद हम थोड़ा वॉक पे चले जाते थे नीचे, आधा घंटा के लिए, 40 मिनट के लिए,
बट हाँ, वो पी पैड्स, कभी कभी न्यूज़पेपर, ये सब भी हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ये छोटा से छोटा चीज़ जो हमारे घर पे बहुत ही नॉर्मली पड़ा रहता है, एक न्यूज़पेपर, एक टिश्यू पेपर, वो उसका भी सही उपयोग फ्लरी करती थी उस टाइम पे। प्रॉब्लम ये है कि वो खा भी सकती है और वो जाके कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हमने धीरे धीरे एक घंटा, दो घंटा, फिर मैं ऑफिस से हाफ टाइम पे आती थी वापस, वो सब जो वीडियो में है वो मैं लिंक कर दूंगी, उसका एक पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम को बढ़ाइए। द फ्रीक्वेंसी आल्सो मैटर्स, कि आप पहले शुरू कीजिए कि हफ्ते में एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, और द टाइम, द फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस अलोंग विद द टाइम। पहले हफ्ते में एक बार करेंगे 15 मिनट के लिए, दूसरे हफ्ते में आप दो बार करेंगे 30 मिनट के लिए। तो बोथ फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम, इट्स अ ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज द प्रोसेस। हफ्ते में दो दिन बाहर जाते हैं, फिर तीन दिन, फिर चार दिन, फिर पाँच दिन, फिर उनको एक प्रोसेस में आ जाएंगे वो कि हाँ, पाँच दिन आठ नौ घंटे ये लोग नहीं रहेंगे। उस प्रोसेस तक रीच करने के लिए आपको ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी एंड द टाइमिंग दोनों को ग्रेजुअली इंक्रीज करना। वो पेशेंस लेवल और आपके लिए वेट करने के लिए उनका जो बॉडी क्लॉक, वो भी ग्रेजुअली बढ़ता है। तो एकदम से उस सिचुएशन में ना डाल के धीरे 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 उनको इनके साथ यूज टू करवाइए। उसके बाद क्या होगा कि वो आपके लिए, वंस देयर बॉडी क्लॉक इज एडजस्टेड विथ योर स्केड्यूल, देन दे विल नॉट बी एंशियस, दे विल ईगरली बी वेटिंग फॉर यू। और हमारे लिए शायद ये चीज़ें और थोड़ी सी भी आसान हो गई थी, क्योंकि फ्लरी का नेचर ही बहुत काम है और वो बहुत पेशेंट है वैसे, और ये वो बचपन से ही है, तो वो थोड़ा सा आसान था। अब नेक्स्ट सवाल है कि हमने कियारा को कैसे एडजस्ट किया अकेले रहने के लिए। तो वो एक तो चैलेंज ऑफ कोर्स था, क्योंकि कियारा जब हमारे पास आई थी तब मैं ऑलरेडी क्विट कर चुकी थी और मैं घर पे रहती थी, तो कियारा के पास हमेशा कोई ना कोई होता था। अब कियारा को एक तो हमारे बिना रहना है, उसके साथ फ्लरी को भी कियारा के साथ अकेले रहना है, तो हमारे पास ये सिचुएशन था। एंड फ्लरी वॉज नॉट दैट सोशलाइज्ड विद अदर डॉग्स, के लिए वो एक चैलेंज था कि फ्लरी को कियारा के साथ अकेले रहना है, कियारा को हमारे बिना फ्लरी के साथ अकेले रहना है। तो वो भी हमने सेम ही प्रोसेस किया था। सबसे पहले तो हमने दोनों को थोड़ा टाइम दिया। हम ऑलमोस्ट कियारा आने के दो तीन महीने तक हम कहीं नहीं गए थे, मतलब साथ में मैं तो कभी भी बाहर ही नहीं गई थी, ताकि हम घर पे कोई ना कोई हमेशा रहे, क्योंकि पहले दोनों में वो फ्रेंडशिप, वो बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी था। नेचर वाइज दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, तो बहुत ज़रूरी था कि फ्लरी कियारा को एक्सेप्ट करे और कियारा भी ये समझ जाए कि फ्लरी के ऊपर उसको अग्रेसिव नहीं होना है, इट्स अ फ्रेंडली बॉन्ड। एंड ये उसको समझना है कि अगर हम लोग नहीं है तो फ्लरी है जो उसका ख्याल रखने वाली है। और कियारा को भी फ्लरी को वो स्पेस देना चाहिए जब फ्लरी अपना स्पेस चाहती है, तो जो कियारा की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत पोक करती है, अभी भी करती है कभी कभी, बट तब वो और ज़्यादा करती थी। तो वो चीज़ों को लाइन पे लाना, वो तो आपके, जब आप डॉग के साथ रहते हो वो आपका एक डेली हैबिट है, आप कैसे उनको ट्रेन कर रहे हो, आप कितना कंट्रोल कर रहे हो, सो वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हो, जिनके थ्रू हमने ये सीखा है। और गलतियाँ हमने भी बहुत सारी की है, फिर हमने सीखा है कि नहीं, इससे सिचुएशन ख़राब हो रहा है तो उसको हमने चेंज किया है, कभी फ्लरी को कंट्रोल करके, कभी कियारा को कंट्रोल करके, हमने उन चीज़ों को अलाइन किया है। और जब दोनों में हमने देखा कि एक इतना बॉन्ड है कि दोनों पीसफुली साथ में रह सकते हैं, लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, तब हमने फिर से ही वही प्रोसेस, ग्रेजुअली टाइम को बढ़ाना। शायद हम कभी नीचे के स्टोर पे गए हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बाहर ग्रोसरी स्टोर में गए हैं जहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, उसके बाद हम मूवी देखने जाना या कहीं जहाँ पे इनको लेके नहीं जा सकते हैं, वो तो नॉर्मल लाइफ स्टाइल आपका रहेगा। तो ऐसे ही है, अब हर एक चीज़ क्या है ना कि आप वो थियोरेटिकली किसी को समझा नहीं सकते हो, ये हर एक डॉग का नेचर अलग है। एंड देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस आल्सो, बिकॉज़ लॉट ऑफ यू एक्चुअली वॉच आवर चैनल हु ऑलरेडी हैव पेट्स एंड हु आर प्रोबेबली पेट्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड हैव लॉट ऑफ मोर नॉलेज देन व्हाट वी आर शेयरिंग। तो और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि नॉलेज जितना शेयर करते हैं उतना बढ़ता है। तो अगर हम भी बहुत कुछ सीखे हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखना है, तो आप लोगों को अगर कुछ ऐसा और भी सजेशंस हैं, आपका कुछ कमेंट्स हैं, तो वो ऑब्वियसली हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए,
ताकि हम भी कुछ सीख सके आपसे, हम भी वो सब अच्छी चीजें इम्प्लीमेंट कर सके। तो ऐसे ही हाँ, बट यहाँ पे मैं और एक चीज मेंशन करूंगी कि डॉग को घर के कहीं पे टाई करके बाहर चले जाना या तो एक क्रेट के अंदर बंद करके चले जाना, ये आदत हमने कभी नहीं करवाए थे दोनों को। आप लोगों ने देखा है मेरे शुरू के वीडियो से कि दोनों घर पे हमेशा फ्री रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनमें जो लेवल ऑफ एग्रेशन है वो बहुत बढ़ता है कि जब भी ये बंदा घर से बाहर जाता है तो मुझे ये क्रेट में रहना पड़ता है या मुझे बांध के रखते हैं। तो आपके बाहर जाने के साथ उसका जो ये कंडीशनिंग है ना, ये लेवल ऑफ एग्रेशन का, वो बहुत नेगेटिव वे में बन जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको अपने कंफर्ट में अकेले छोड़ के आपको घर के घर को बाकी हर एक तरीके से, जैसे हम मैंने आपके साथ कल शेयर किया, सेफ बना के उनके लिए खाना रख के, पानी रख के, उनका बिस्तर, उनका टॉयज, सब कुछ उनके पास देके फिर आपको बाहर जाना चाहिए ताकि वो कंडीशनिंग पॉजिटिव हो। और ये भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत सारा लाइक कीजिए। ऑब्वियसली वी नीड अ लॉट ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना कीजिए जैसे आप लोग करते हैं, और ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, और जिस टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ पेट पेरेंटिंग के बारे में, ज़रूर पूछिए। तो ये वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा रहा डिस्कशन। और आप लोग अगर हमें और ज़्यादा देखना चाहते हो तो हमारा एक बंगाली चैनल भी है, विच इज़ ब्लॉगपुरी भालोवेशे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो जिनको बंगाली व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है आप हमारे बंगाली चैनल फॉलो कर सकते हो। दोनों चैनल के व्लॉग्स बिल्कुल डिफरेंट है, कंटेंट बिल्कुल ही अलग है। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए और बहुत सारे प्यार भेजते रहिए जैसे आप लोग भेजते हो, और हमारी तरफ से भी आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। टेक केयर गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।